हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्मार्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप अपने मोबाइल के टच साउंड को वाइब्रेशन को बंद करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पर कोई भी बैक बटन प्रेस करते हैं या फिर रिसेंट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर मेरा मोबाइल जो है वो वाइब्रेट करता है, इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं? इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है। सबसे पहले आप अपने सेटिंग को ओपन कर लीजिए फ़ोन के। फ़ोन का सेटिंग ओपन हो चुका है, थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, देख सकते हैं यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक कर लेंगे। साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वाइब्रेशन को बंद करने के लिए। सबसे पहले तो आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टच वाइब्रेशन, यानी कि ये जो ऑन रहेगा टच वाइब्रेशन, तो जब भी आप यहाँ से बैक बटन या फिर रिसेंट बटन क्लिक करेंगे तो ये जो है वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको अगर इसे बंद करना है तो इसे ऑफ कर दीजिए। तो अब जब भी आप टच करेंगे बैक बटन या फिर रिसेंट बटन तो आपका जो है ये टच वाइब्रेशन नहीं शो होगा, मतलब साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर एक तो ये सेटिंग हो गया, अब जब भी आप बैक करेंगे तो यहाँ से कोई भी आपको साउंड सुनाई नहीं देगा, वाइब्रेशन सुनाई नहीं देगा, ठीक है। और उसके साथ एक तो ये हो गया सेटिंग, और दूसरा सेटिंग ये आप कर सकते हैं कि अगर आपका कॉल आने पर भी वाइब्रेशन करता है तो ऊपर में आएंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल, इस पर क्लिक करेंगे। और इनकमिंग कॉल का भी वाइब्रेशन, अगर कॉल आता है तो आपका फ़ोन भी वाइब्रेट करता है तो उसको भी आप बंद कर सकते हैं। यहाँ से आपको नेवर वाइब्रेट पे क्लिक कर देना है, तो जब भी आपका कॉल आएगा तो आपका फ़ोन जो है वो वाइब्रेट नहीं करेगा। तो इस तरह से आप अपने इनकमिंग कॉल को वाइब्रेशन को बंद कर सकते हैं और टच साउंड को भी, टच वाइब्रेशन को भी बंद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से।